আমার মাইন্ডটা স্টপ করে দিয়েছে। আমি বললাম ওয়াই ইউ ডিসক্রিমিনেট, ওয়াই ইউ স্টপ মি, আই অ্যাম অনলি অ্যাটেন্ডিং, ইউ শুড বি হ্যাপি ফর দ্যাট। ইউ মে হ্যাভ সিন সাম ফ্লাটার হিয়ার এন্ড দেয়ার এটসেট্রা। দ্য চিফ মিনিস্টার অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল হ্যাড মেড এ রিকোয়েস্ট টু বি গিভেন আ টার্ন বিফোর লাঞ্চ টাইম। দে ওয়ান্টেড এ রিকোয়েস্ট, ইট ওয়াজ ইন রাইটিং, and we actually adjusted, and the Raksha Mantri actually called her in just before Gujarat. You are giving more scope to your party, your government, and you only me on behalf of opposition, only I am there, and you stop my mic. She made her statement. Every chief minister is allotted 7 minutes, and there's just a clock on top of the screen which tells you the time that is remaining. So it goes from 7 to 6 to 5 to 4 to 3. At the end of that, it shows 0-0, nothing else. Nothing else has happened other than that. She said that, look, I would have liked to speak for more time, but I'll not speak anymore. And that was it. There was nothing more. We all heard. She made her points and we respectfully heard and noted her points. नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का दुनियाज में। नीति आयोग की बैठक को बीच में ही छोड़कर चली गई थी ममता बनर्जी, लगाया था आरोप और उन आरोपों की पोल खोली है चिराग पासवान और नीति आयोग के सीईओ ने, जहां पर ममता बनर्जी के झूठ पर उन्होंने खुलासा किया और कहा है कि ममता बनर्जी ने जो चीजें कही है वो झूठी है, ममता बनर्जी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि माइक को बंद किया गया हो। तो बड़ा खुलासा चिराग पासवान ने किया है और ममता बनर्जी के झूठ का भांडा फोड़ा है। क्या कुछ है पूरा माजरा, क्या कह रही है चिराग पासवान, क्या कहना है नीति आयोग के सीईओ का, विस्तार से समझ लेते हैं। तो नीति आयोग में जो आपको बता दें कि बावला देखने के लिए बुलाया, जहां पर कई नेताओं को बुलाया गया था। दिल्ली में शनिवार को नीति आयोग की बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वर्कआउट कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें मीटिंग में बोलने नहीं दिया गया और उनका माइक जो है उसे बंद कर दिया गया। अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस मामले में खुलासा किया और कहा कि नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी के जाने को लेकर उन्होंने कहा कि नीति आयोग की बैठक में भी मौजूद थे और यह सरासर गलत इल्जाम है कि माइक बंद कर दिया गया। माइक का कंट्रोल उनके ही पास होता है जो बोल रहे होते हैं, यह बात झूठ है कि किसी के द्वारा उनका माइक बंद कर दिया गया। चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास एक तय समय सीमा होती है, उसके खत्म होने के बाद उन्हें एक रिमाइंडर दिया जाता था, लेकिन इस पर ममता बनर्जी उत्तेजित होकर बैठक छोड़कर चली गई। उन्होंने अपने तरफ ध्यान खींचने के लिए ऐसा किया। किसी भी राज्य को ऐसा लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है तो वो इसी मंच, तो उन्होंने कहा कि तो यही वो मंच है जहां जाकर आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इस बजट में प्रमुखता से गरीबों, अन्नदाताओं, युवाओं, महिलाओं का जिक्र किया गया। ये आरोप सरासर झूठे हैं और क्या कुछ कहना है चिराग पासवान का, जरा आप खुद सुनिए। देखिए, उस बैठक में नीति आयोग की, उस बैठक में मैं भी मौजूद था और ये सरासर गलत इल्जाम है कि किसी का माइक वहां पे बंद कर दिया गया। पहली बात तो जब ये विपक्ष बोलता है कि माइक बंद कर दे, उस माइक का कंट्रोल वहाँ पे बैठे किसी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है, उस व्यक्ति के खुद के हाथ में होता है, ना लोकसभा में, ना राज्यसभा में, ना ऐसी किसी बैठकों में। ऐसी बैठक में माइक सामने लगा होता है, ऑन ऑफ का स्विच सामने ही होता है। तो ये बात बोलना सरासर झूठ है जब कोई ये बोलता है कि मेरा माइक बंद कर दिया गया। हाँ, हर मुख्यमंत्री को, क्योंकि समय की बाध्यता थी, ओपन एंडेड अगर डिस्कशन को रखा जाता तो संभवतः हफ्तों तक ये बैठक ही चलती रहती। ऐसे में हर मुख्यमंत्री से ये विनम्रता पूर्वक आग्रह किया गया था कि अपनी बातों को संक्षेप में एक तय समय सीमा के भीतर रखा जाए। जब वो समय सीमा पूरी हुई, सिर्फ एक रिमाइंडर के तौर पर उनको ज़रूर, जैसे तमाम मुख्यमंत्री को दोबारा से नोटिफाई किया गया कि भाई आपका समय समाप्त हो रहा है इस तरीके से, बट उसके बाद जिस तरीके से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी एकदम से उत्तेजित होकर उस बैठक को बीच में ही छोड़कर चली गई, मुझे लगता है ये आचरण गलत है। अगर आपको अपनी बात को रखना भी है, कोई नाराज़गी भी है, तो आप वहीं पे रखती ना, बोलती कि अभी मुझे और बोलना है, मुझे और कहना है। हम सब वहाँ पर मौजूद थे, प्रधानमंत्री जी स्वयं उनको सुनना चाहते थे, वित्त मंत्री जी स्वयं वहाँ पर मौजूद थी, वो भी चाहती थी कि भैया क्या बजट को लेकर वो अपनी बातों को रख रही हैं। बट जिस तरीके से उनका आचरण था, इससे ऐसा
लगता है कि विपक्ष की पहले से ही ये सोची समझी एक रणनीति का ये हिस्सा था कि वो जाएंगी, हंगामा खड़ा करेंगी और नीति आयोग जिस मकसद के साथ हम लोग वहाँ पर बैठे थे उसके मकसद को डाइवर्ट कर कर सिर्फ अपनी ओर पूरा ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से ये इस तरीके की कार्रवाई की गई है। कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीच में ही छोड़कर बाहर चली गई वो बहुत ही ज्यादा गलत आचरण था। ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्ष में अराजकता और अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने की सोची समझी रणनीति है। अगर किसी भी राज्य को ऐसा लगता है कि उनके साथ गलत हुआ तो वो नीति आयोग के सामने अपने मुद्दे को उठा सकते हैं। बता दें आपको, विपक्षी नेताओं ने इस मामले को लेकर काफी बयानबाजी की थी और इसे ये कहा था कि ममता बनर्जी को बोलने नहीं दिया गया, नीति आयोग की बैठक कई नेताओं ने हिस्सा तक नहीं लिया था। और इसके बाद आपको बता दें संजय राउत का भी बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था कि जिस तरह से बजट बनाया गया नीति आयोग भी उसके अनुसार काम करेगा, केवल भाजपा शासित राज्यों को पैसा और योजनाओं का लाभ दिया गया, इसीलिए एम के स्टालिन तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया। संजय राउत ने यह भी कहा था कि ममता बनर्जी बैठक में शामिल हुई लेकिन उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया, पश्चिम बंगाल के सीएम का अपमान किया गया, उनका माइक स्विच ऑफ कर दिया गया, यह लोकतंत्र के अनुकूल नहीं है। और ममता बनर्जी ने भी आके इसी तरीके की बात कही थी कि उनका माइक स्विच ऑफ कर दिया गया, उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला। लेकिन अब चिराग पासवान ने इस मामले को लेकर उनके झूठ का भांडा फोड़ कर दिया। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जब केंद्र सरकार पर नीति आयोग की बैठक में उन्हें ना बोलने देने का आरोप लगाया तब से भाजपा और टीएमसी के नेताओं के बीच जुबानी जंग तो जारी है। वहीं सबके बीच अब नीति आयोग ने खुद मोर्चा संभालते हुए पूरे मीटिंग का घटनाक्रम साझा किया है। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने बैठक में जानकारी देते हुए बताया कि इस बैठक में 10 राज्य नहीं शामिल हुए थे जबकि 26 राज्यों ने इसमें हिस्सा लिया था। जो राज्य नहीं शामिल हुए थे उनमें केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और पुदुचेरी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हुई। नीति आयोग के सीईओ ने बताया कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया था कि उन्हें लंच से पहले बोलने का मौका दिया जाए। सुब्रमण्यम ने कहा कि मैं सिर्फ तथ्य बता रहा हूं क्योंकि आमतौर पर अल्फाबेट के आधार पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बोलने का मौका दिया जाता है, जिसके तहत गुजरात से पहले रक्षा मंत्री ने उनको बोलने का मौका मिला। इसके बाद उन्होंने अपनी बातें रखी। बीवीआर सुब्रमण्यम ने बताया कि सभी मुख्यमंत्रियों को 7 मिनट बोलने का मौका दिया जाता था और स्क्रीन के सबसे ऊपर समय प्रदर्शित किया जाता था और उनका संबोधन का कितना समय बचा है यह भी दिखता है। इस दौरान जब उनका समय खत्म हो गया तो उन्होंने कहा कि मैं बोलने के लिए और समय चाहती हूं। उनके संबोधन को हम सबने सम्मान पूर्वक सुना और अहम बिंदुओं को नोट भी किया। नीति आयोग के सीईओ ने आगे कहा कि जब उनका समय खत्म हो गया तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माइक थपथपाया, इसके तुरंत बाद उन्होंने बोलना बंद कर दिया और बाहर चली गई। हालांकि इसके बाद भी पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारी वहां बैठक में शामिल रहे। क्या कुछ कहना है नीति आयोग के सीईओ का भी, जरा खुद सुनिए। द 9th मीटिंग ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग एंड दिस वाज अनाउंस्ड क्वाइट वेल इन एडवांस। द प्राइम मिनिस्टर हैड सेड pretty much in March that he would be convening a meeting of the chief ministers soon after the elections are over, which he did promptly. So soon after the election results and he was sworn in, he held a meeting and the date of the meeting was decided as 27th. Of course, the obvious reason being that with the parliament being in session, everybody is around. So just to, you know, get over what may be exciting some of you, what was the participation like? Then that's what I think, so that's the curiosity all around. We had 10 absentees, so let me be very clear. There were 10 absentees and we had 26 participants. All states and UTs put together are 26 in number, 36 in number, minus 10 absentees, we have 26. Who are the ones which are absent? We had absentees from Kerala. That was indicated much, much earlier. I mean, pretty much early, I mean, probably 10, 12 days ago. We had Tamil Nadu, Karnataka, Telangana, Bihar, Delhi, Punjab, Himachal Pradesh. In the last minute, we had a dropout from Jharkhand and Puducherry for some personal reason. Bihar was having an assembly session till late yesterday evening. So there was no way he could have arrived. That was the reason why Bihar didn't come. The Chief Minister of West Bengal, however, was present and she was also there. You may have seen some flutter here and there, etc. The Chief Minister of West Bengal had made a request to
be given a turn before lunch time. So I'm just putting facts on the ground, no interpretations. It was a very clear request from their side, because normally we would have gone alphabetically. So it begins with Andhra Pradesh, then Arunachal Pradesh, and then, you know, it goes on further down. Because West Bengal would be W, which would certainly come post-lunch session. They wanted a request. It was in writing, and we actually adjusted, and the Raksha Mantri actually called her in just before Gujarat. So she made her statement. Every chief minister is allotted 7 minutes, and there's just a clock on top of the screen which tells you the time that is remaining. So it goes from 7 to 6 to 5 to 4 to 3. At the end of that, it shows 0-0, nothing else. Nothing else has happened other than that. And what happens is, the Raksha Mantri just does that on his table. That's it. And that's it. And then she said that, look, I would have liked to speak for more time, but I'll not speak anymore. And that was it. There was nothing more. We all heard. She made her points, and we respectfully heard and noted her points, which will be reflected in the minutes. So I thought I will get over that at the beginning, because I think that's what most people will be curious about. To mention the fact, her chief secretary continued to attend, and he was in the room even after she left, because she had to catch a flight to Calcutta. She said that she had an assembly session. That's what she told me, you know, in the morning itself she told me. So that's as far as that is concerned. तो जैसा कि आपने सुना कि नीति आयोग के सीईओ ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इस मामले पर जो है रिएक्शन दिया है, अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से स्थिति अब देखने को मिल रही है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाए हैं, उन आरोपों की पोल खुलती नजर आ रही है, उस आरोपों पर बयान जो है देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके हमें जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।